नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। मैं हूं रविंदर। दोस्तों आज पूरी हम बात करेंगे कि एयरटेल मित्र एप्लीकेशन के अंदर डिजिटल सिम स्वैप का ऑप्शन कैसे लाएं। दोस्तों यदि आप एक एयरटेल के नए रिटेलर हैं या फिर एयरटेल के पुराने रिटेलर हैं, और दोस्तों यदि आपको एयरटेल मित्र एप्लीकेशन के अंदर अभी तक डिजिटल सिम स्वैप का ऑप्शन नहीं मिला है, या दोस्तों आप एक पुराने रिटेलर हैं और आपको पहले मिला था डिजिटल सिम स्वैप का ऑप्शन, लेकिन फिलहाल के टाइम पर वो ऑप्शन हटा दिया गया है आपके एयरटेल मित्र एप्लीकेशन के अंदर, तो आज वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि एयरटेल कंपनी की क्या पॉलिसी है जिनको आप पूरा करके एयरटेल मित्र एप्लीकेशन के अंदर डिजिटल सिम स्वैप का ऑप्शन पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है। और साथ के साथ आपको यह भी बताऊंगा कि आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर आपकी सिम स्वैप की सर्विस को क्यों बंद करते हैं। तो जान लीजिए दोस्तों कि चालू कैसे करवानी है अपनी एयरटेल मित्र एप्लीकेशन के अंदर डिजिटल सिम स्वैप की सर्विस है। तो यहां पर आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर के जो नियम है वो बताया गया है कि हर रिटेलर को 1 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में 3 MNP करनी अनिवार्य है। यदि आप 3 MNP कर लेते हो तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को झटके से फोन लगाओ और बोलो कि सर मैंने 3 MNP कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों जैसे ही आपके डिस्ट्रीब्यूटर चेक करेंगे कि इस रिटेलर ने इस लाफू से कितनी MNP कंप्लीट की है, चेक करने के बाद आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को SMS करेंगे अपने लाफू से, बोले उस SMS में टाइप करेंगे कि इस लापू की जो है सिम स्वैप की सर्विसें चालू कर दी जाएं। जैसी कंपनी के पास मैसेज पहुंचेगा, कंपनी सीधा आपके लापू के अंदर जो आपका जो एयरटेल मित्र एप्लीकेशन है उसके अंदर आपकी डिजिटल सिम स्वैप की सर्विसें चालू हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आप आसानी से किसी भी ग्राहक का सिम स्वैप कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं काफी ज्यादा पैसे। अब बात करेंगे कि आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर आपकी सिम स्वैप की सर्विसों को क्यों बंद करते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप सोचे भाई इस महीने तो हमने काम कर लिया, अब नेक्स्ट मंथ यदि आपने काम नहीं किया तो दोस्तों आपकी जो है उससे तीसरे महीने में आपकी सिम स्वैप की सर्विसों को बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि आपको हर महीने कम से कम 3 MNP करनी है यदि आप एयरटेल मित्र एप्लीकेशन के अंदर डिजिटल सिम स्वैप की सर्विसों को चालू रखना चाहते हैं। आप रेगुलर मान लीजिए आपके जो है एयरटेल का ज्यादा काम होता है तो आप एयरटेल पे फोकस ज्यादा करें, VI का यदि काम कम है तो VI पे फोकस कम करें, जियो का काम कम है तो जियो पे फोकस कम रखें। यदि आपके यहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क अच्छा है तो आप एयरटेल के अंदर डिजिटल सिम स्वैप के ऑप्शन को संभाल के रखें और हर महीने 3 MNP जरूर करें, जिससे कि आपका एयरटेल मित्र एप्लीकेशन के अंदर डिजिटल सिम स्वैप की जो सर्विस है वो चालू रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।